चलिए, तो होल्डिंग तो हर किसी को पता चल गया होगा सर। होल्डिंग का मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी अपने सामने वाली, यानी सामने क्या, दूसरी कंपनी का शेयर 50 से ज़्यादा जब होल्ड कर लेगा तो इसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और दूसरे को बोलेंगे सब्सिडरी। हम पूरे चैप्टर में होल्डिंग कंपनी को एच से डिनोट करने वाले हैं और सब्सिडरी को डिनोट करेंगे एस से, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था, मान लेते हैं एक कंपनी है एच लिमिटेड, और इसके लिए हमने एक बैलेंस शीट, रफली बैलेंस शीट बनाया था। बिल्कुल सर, रफली बैलेंस शीट का मतलब जिसके अंदर हमने ज़्यादा डिटेल नहीं फिल किया, सिर्फ सीखने के पर्पस के लिए, समझने के पर्पस के लिए बनाया था। और एक बना लेते हैं हम एस लिमिटेड, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अब कि सर एस लिमिटेड कौन सी कंपनी होगी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि एस लिमिटेड को हम मानेंगे सब्सिडरी कंपनी। जी हाँ, चलिए, यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, क्रेडिटर मान लेते हैं 3 लाख रुपए, और हेयर फिक्स एसेट्स 2 लाख, और कैश, क्योंकि हम कैश के फॉर्मेट में ले के चल रहे हैं तो टू बी कंटिन्यू भी हम कैश के फॉर्मेट में ले के चलेंगे, 5 लाख रुपीस, एंड डेटर 1 लाख रुपीस। टोटल बैलेंस शीट का हमने बना लिया एक 8 लाख, और 8 लाख यहाँ पे ले लेते हैं शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीस, क्रेडिटर 2 लाख रुपीस, टोटल हो गया हमारा 5 लाख, टोटल 5 लाख। इसके बाद फिक्स एसेट्स 3 लाख रुपीस, कैश 1 लाख रुपीस, और डेटर, डेटर कितने का जी, 1 लाख रुपीस का, यानी टोटल 5 लाख। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 5 लाख हो गया। और अब चलिए करते हैं, यहाँ तक सबको पता है ये होल्डिंग और सब्सिडरी है। अब हम इसके साथ बताओ चैप्टर में हमें एग्जामिनर क्या बोलेगा, कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो उसके लिए एक बैलेंस शीट और तैयार कर लेते हैं, एक बैलेंस शीट। पहले मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं पिछला, है ना, वैसे आप सभी को पता है लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा पॉइंट्स बता दूं। जो बच्चे सेकंड क्लास देख रहे हैं ना, ये दूसरा मतलब कि सीधा कई बार होता है कि सेकंड से स्टार्ट किया तो उनको दिक्कत होने वाली है, पहली क्लास देखना जरूरी है, चेन में सारी क्लास। एक इस सब इस चैप्टर की क्या बात करूँ मैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट है हर किसी को आप सीक्वेंस से देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा और अननेसेसरी में आप परेशान नहीं होगे। अब ये जो बैलेंस शीट बनाएंगे किसकी बनाएंगे, हम होल्डिंग की बनेगी। मान लेते हैं इसने इस कंपनी के सारे एक्वायर कर लिया, फटाफट से बताना क्विकली, अगर इस कंपनी ने इसका सारा एक्वायर कर लिया 3 लाख रुपए का, तो बताइए बैलेंस शीट के अंदर कैश का बैलेंस कितना बचेगा, कितने बचेंगे, 2, और एक इसका भी तो बोलोगे 3 लाख, कितने बचेंगे 3 लाख। अगर ये कंपनी इसको ज़्यादा पेड करता है तो क्या निकलता है, गुडविल। अगर ये कंपनी इसको कम पेमेंट करता है तो क्या निकलता है, कैपिटल रिजर्व। अब इसका शेयर खरीदने का मतलब सिर्फ इक्विटी है, सिर्फ प्रेफरेंस है, और रिजर्व एंड सरप्लस है सिर्फ, ये सारा। क्या डिबेंचर भी इंक्लूड होगा इसको खरीदते टाइम पे, नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? अब आज जो हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल, 100% एक्वायर वाला लास्ट क्लास में हमने देख लिया, आज थोड़ा 100% से कम करते हैं। सर 100% से कम क्या करोगे, मैंने कहा 60% शेयर एक्वायर बाय एच लिमिटेड। तो सर इसका मतलब क्या है कि एच लिमिटेड ने इसका कितने परसेंट शेयर एक्वायर कर लिया, 60%। तो आप जल्दी जल्दी बताइए, एस लिमिटेड के पास जो शेयर है, एस लिमिटेड के पास जो शेयर है उसको अब हमें टोटल कितने का है बताओ, टोटल है जी 3 लाख। 3 लाख में से कहता है एस लिमिटेड मैं खरीदूंगा, कितना खरीदेगा वो,
60% का मतलब 180,000 रुपए का तो खरीदने को तैयार कौन हो गया, और बाकी बच के 120,000 ये खरीदने को तैयार, खरीदने को मतलब ये वाला इसने नहीं खरीदा। यानी अब क्या हो रहा है, पहले क्या था, हम सारा सारा खरीद रहे थे, अब मेजर चेंजेस पता चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सारा नहीं खरीद रहा हूँ, इसका कुछ हिस्सा खरीद रहा हूँ। तो अब होगा क्या, अब ये वाला हिस्सा तो ये खरीद लेगा। अब मुद्दे की बात है, कैपिटल रिजर्व, गुडविल या कुछ भी नहीं निकले, वो कंपैरिजन करना है हमें इससे कि 180 के बदले में अगर मैंने इसको 180 दिया तो कुछ भी नहीं निकलेगा, 180 के बजाय मैंने 200,000 दे दिया तो क्या निकलेगा, 180 के बजाय मैंने 160 ही दिया तो क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व। वो इससे कंपेयर होगा, ना कि इस 300,000 से। ये समझ में आई बात आपको। अब बड़े आसानी से देखते हैं इस कंपनी ने क्या करा, मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था मैं कैश के बैलेंस को लिख देता हूँ, मेरा 500,000 है। अब मैंने क्या करा, 100% दे दिया, पहले इसको कितना दे दिया, 100%, मैंने इसके 180 का शेयर 180 में ही खरीदा है, तो इसका मतलब सर इसका कैश पे इम्पैक्ट आएगा, कैश कितने का था, 500,000, उसमें से माइनस हो जाएगा 1.8 लाख, कितने 3.2 बच जाएगा, और एक यहाँ पर आ जाएगा, यही सीखा था हमने, और इन्वेस्टमेंट क्या आ गया, 1.8 लाख, बैलेंस शीट का टोटल नहीं हिलने वाला। अब देखा जाए तो हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं, नई बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, सर शेयर कैपिटल में 500,000, सर क्रेडिटर, क्रेडिटर जुड़ जाएगा 300,000 रुपए ये, और इसका कितने 200,000, तो कितने हो जाएंगे 500,000। इसके बाद फिक्स एसेट्स पे चलते हैं, फिक्स एसेट्स बताइए, फिक्स एसेट्स में क्या होगा, 200,000 हमारा खुद का प्लस इसका कितना 300,000, कितने हो जाएंगे ये 500,000। इसके बाद आ जाते हैं किस पे, कैश बैलेंस पे, कैश हमारा कितना है खुद का 3.2 लाख प्लस इसका कितने का है 100,000 का, तो टोटल क्या हो गया 4.2 लाख। कैश के बाद डेटर भी लेना है हमें, बताइए डेटर कितने आएंगे, बोलिए डेटर कितने आएंगे, 100,000 पुराना और जो एक्वायर किया है उसका भी 100,000, टोटल मिला के 200,000। अब क्या इन्वेस्टमेंट लिखें यहाँ पे, नहीं, ये तो आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, पहले यहाँ तक देखिए। तो सर अब इसका क्या होगा, 120 का, आप सभी के माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा है ना कि सर इस 120 का क्या करना है, 120 का, एक सेकेंड, हाँ जी, तो क्वेश्चन है सर 120 का क्या करना है। अब मान लेते हैं ये हमारा पहले जो था ना, एक कंपनी है, और मान लो ये कंपनी का पूरा स्पेस है, मतलब शेयर्स है, एक कंपनी है उसका पूरा शेयर्स है। अब जो पर्सन इस कंपनी की इतनी सारी होल्डिंग यानी 50% से ऊपर अगर किसी ने होल्ड कर लिया तो उसे क्या बोलते हैं हम, जो कंपनी किसी भी कंपनी का अगर 50% से ज़्यादा अगर होल्ड कर लिया तो क्या बोलेंगे उसे, होल्डिंग कंपनी, जो कंपनी होल्ड करेगा, और ये क्या बन जाएगा, सब्सिडरी। अब इसके अंदर पहले क्या था, एक व्यक्ति था जिसका इस कंपनी के अंदर अधिकार कितना था, पूरा ही था, पहले इस कंपनी के अंदर अधिकार कितना था, पूरा था, यानी इसका इंटरेस्ट देखा जाए तो क्या था, हाई था। आपने एक कंपनी बनाया, उस कंपनी को पूरा ओन कर रहे हो, तो उस कंपनी में आपका इंटरेस्ट क्या है, बहुत हाई है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब आपकी रुचि, आपका उस कंपनी के अंदर लेना, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है उस कंपनी में, ज़्यादा है। जैसे आपके शेयर बिक जाएंगे आपकी कंपनी के, तो आपका इंटरेस्ट, आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहेगा, वो भी कम होगा, कम हो जाएगा, और इनफैक्ट इतना कम हो जाएगा कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, समझ रहे हो बात को। अगर मैं आपकी कंपनी के 51% पहले क्या था, मान लेते हैं आपकी एक कंपनी था, सिंपल सा एग्जांपल देखना, एक आपने बनाया, मान लेते हैं अपना कंपनी, अपना लिमिटेड बनाया, और इस कंपनी के अंदर क्या था, आप ही सब कुछ करते थे, किससे सामान खरीदना है आपका डिसीजन, किससे लोन लेना है आपका डिसीजन, कितना पैसा हमें इक्विटी शेयर में देना है आपका, डिविडेंड कितना देना है, सब डिसीजन आपका,
यानी आपके पूछे बिना इस कंपनी का एक पॉइंट इधर से उधर, एक फाइनेंशियल डिसीजन, एक कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने देखा कि आपकी कंपनी अच्छी चल रही है और आपको मैंने एक अच्छा वैल्यूएशन ऑफर किया और आपकी कंपनी के मैंने 50% शेयर खरीद लिए। जैसे ही 50% मैंने शेयर खरीदे आपके कंपनी के, मैं हो गया होल्डिंग और आप क्या हो गए, सब्सिडरी। अब आप बोलते हो सर आप पहले ना, मैं ऐसा करता था उस डेटर से सामान खरीदता था, मैंने पहले था, अब मेरी चलेगी इस कंपनी में, आपका कुछ भी नहीं चलेगा। तो पहले आपका मर्जी से चलता था, आपका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था, अब वो नहीं चलेगा। अब हम इस कंपनी को हमने खरीद लिया है तो हम चलाएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो आपका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा अब या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम का मतलब होता है माइनर, कम का मतलब होता है माइनर। इसी वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया जाता है माइनॉरिटी मतलब कम, और इंटरेस्ट मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट। तो अब अगर मैं आपकी कंपनी 3 लाख है, 3 लाख में से मैंने 180 खरीद लिया, बचा 2 20 1 20, तो बताइए 1 20 वालों का इंटरेस्ट हायर होगा या लोअर होगा? सर इसका ऑटोमेटिकली लोअर होगा। तो अब देखा जाए कहीं पॉपुलेशन में, आपने सुना होगा जहां पे 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि मतलब मान लेते हैं कि वो अलग रिलीजियस से हैं, तो क्या बोलेंगे, वो माइनॉरिटी है। यही होता नहीं, ये तो सबको पता है। तो सेम ऐसे यहां पे पूरे सारे हैं जिसमें से 180 तो अलग खड़ा है और बाकी ये, तो ये क्या हो गया, माइनॉरिटी। ये क्या हो गया, मेजॉरिटी। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, जब कभी भी हम किसी कंपनी के शेयर्स को अक्वायर करते हैं उस केस में जो बच जाते हैं वो बेचारे क्या बच जाते हैं, माइनॉरिटी में बच जाते हैं। अगर उसके सारे हमने खरीद लिए तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा बताओ, जीरो, कुछ होगा ही नहीं, सब हमारे पास ही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये वाला पॉइंट है ना 1 20, इसे बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझिए, एग्जाम में बहुत हर बार ये वर्ड यूज होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी, तो आपको समझना होगा। तो सर इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस शीट में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है तो वो यहां भी आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा, 1.2 लाख माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो भी होगा, क्योंकि इसके अंदर हम मान के चलेंगे कि ये जो है ये शेयर कैपिटल का पार्ट, क्योंकि बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखो मेरा जो शेयर है मैं अपने वाले को तो नहीं जोड़ूंगा, ये कौन सा है, ये बाहर वाला है, आउटसाइडर है, समझे। अब टोटल करके मैच करिए, 10 12 पॉइंट 11 पॉइंट 2, पर इधर टोटल करिए, समझे। यानी जब कभी सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला पॉइंट आएगा तो देखो यहां से यहां ये वाला पॉइंट तो कैंसिल ही हो गया ना, इसमें से तो कैंसिल हो गया ना, जो पार्ट कैंसिल हो जाता है इन्वेस्टमेंट वाला उसको छोड़े, बाकी कहां पहुंच जाएगा उसमें, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है कि जब कभी भी होल्डिंग कंपनी जितना एक्वायर करती है वो शेयर कैपिटल में तो ऐड ही नहीं होता कभी, हाँ उसके अलावा जो बच जाते हैं उसको हम नाम दे देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी वो व्यक्ति हैं या वो शेयर होल्डर हैं जिनका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कंपनी के अंदर नहीं होगा, माइनॉरिटी में है वो, बहुत कम संख्या में बच गए हैं वो। कम संख्या का मतलब होता है 50% से कम हो तो आपको माइनॉरिटी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो आप फटाफट से माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझे, इसके अंदर केसेस करेंगे कि प्रॉफिट कुछ एक्वायर करेगा नहीं करेगा उसके हिसाब से। तो एक बार फटाफट से ये वाला पॉइंट भी नोट करिए, ऊपर हेडिंग डालना चाहते हैं तो आप डालिए हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हेडिंग डालिएगा। आज मेरा मेन मुद्दा, मेन पॉइंट यही रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूरा समझा पाऊं अभी वाले सेशन में, इवनिंग वाले सेशन में एडजस्टमेंट रहेगा हमारा मेन। कोई दिक्कत है तो बताइए, आप जितने बच्चे लाइव क्लास में एप्लीकेशन पे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फटाफट देखते हैं, अभी मैं एक बार स्टार्ट कर दूं मानसी, फिर कमेंट में बता देना आप, मैं भी देखता हूं, पहले मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूं। चलिए चलिए, क्वेश्चन हम सेम रखेंगे, बस यहां थोड़ा बदलाव,
ध्यान से देखना मैं क्या बदलने वाला हूँ ताकि आपको याद रहे, और आपको ऐसा नहीं कि बदलने वाला है तो आपने रजिस्टर में भी बदल लिया, रजिस्टर में पूरा नोट करोगे ना तो थोड़ा सा क्या होगा, वो प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, शेयर कैपिटल 2 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, सिर्फ ये बदलाव किया, ठीक है। चलिए इसे हटा देते हैं। अब शेयर कैपिटल, अब इसने क्या करा, इसका 60% होल्ड किया। तो अगर मैं 60% की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं 60% की बात करूं शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का 60% माना जाएगा, पहले तो आपको यह बात क्लियर होना चाहिए, दोनों का 60% माना जाएगा, क्लियर है। अगर मैं 60% बात करूं, 50% बात करूं, तो सर किसका, शेयर होल्डर फंड का होता है। अब सर इसके अंदर अगर देखा जाए तो दो बातें हैं, एक तो है 2 लाख रुपए का कैपिटल और दूसरा है हमारा 1 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो होल्डिंग कंपनी है वो तो इन दोनों में से खरीद लेगा कितने परसेंट, यानी होल्डिंग कंपनी इसका 60% 1,20,000 प्लस इसका 60% 60,000, इसका मतलब वो जो खरीदेगा वो इस कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है कितने का, 1,80,000। बाकी कितने बच गए सर, शेयर कैपिटल बाकी बच गए हमारे कितने, आपका 80,000। बाकी कितने बच गए, 80,000। सर कैसे आया 80,000, इसका देखो 60% इसने ले लिया तो 60% 120, बाकी 40 किसके पास आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों के पास, जिसे, और साथ के साथ उसका भी रिजर्व में इतना अधिकार होगा 40%, यानी 40, तो कितने हो गए 120। यानी सिंपल सी बात है सर, जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट आएगा ना तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी हम पूरी तरीके से अलग करेंगे, इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर, सबको ऐड करके। अगेन हमारा जो आंसर है, आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा 180 का टोटल बन रहा है, 180 हमारे कैश में से माइनस हो गया, 180 का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 180 से, और यहाँ पे 180 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो पुरानी बातें हैं जो एग्जामिनर देगा आपको, और फाइनली जो कैंसिल हो गया, जितना पार्ट हम एक्वायर करते हैं उस पार्ट को तो लिखते नहीं है बैलेंस शीट में, जो MI वाला है वो आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा हमारा, अगेन हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन बैलेंस शीट क्या होगा हमारा, मैच। बताइए कोई डाउट, मैं अभी बहुत सारे केसेस करूंगा, सिचुएशन अलग अलग लूंगा, आप ध्यान से देखिएगा ना क्लासेस को और समझिएगा, तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी लगेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें होती है जो कि वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर ना एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, जो बच्चों के लिए सरदर्दी बन जाता है। तो मैं सोचता हूं कि हर एक बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए ना एक बार, तो फिर दिक्कत ना आए, यानी जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर उतनी टेंशन मेरी खत्म, डाउट नहीं पूछेंगे कोई भी फिर। तो यहां तक दिक्कत है कोई, इसका भी इमेज क्लिक करना है, इमेज क्लिक करिए, नोटिंग करना है, नोटिंग करिए फटाफट। हम इसके अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जब हम इसके कम शेयर को खरीदेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक है होल्डिंग कंपनी और एक है हमारे पास सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी जब कभी भी 50% से ऊपर, मान लेते हैं कि 50% से तो ऊपर ही है ना, 60% इस कंपनी का शेयर एक्वायर कर लेगा तो ये होल्डिंग बनेगा। तो जब ये 60% एक्वायर करेगा तो क्या क्या एक्वायर करेगा, शेयर कैपिटल भी एक्वायर करेगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी करेगा, और फिर क्या करेगा हमारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी करेगा एंड शेयर होल्डर फंड करेगा। बाकी जो बच गए 40% वो इन्हीं के पास रह जाएगा, इस कंपनी के पास, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इस प्रोसेस को करने में, किसी कंपनी को एक्वायर करने में टाइम टेकिंग है। जब आइडिया को वोडाफोन ने टेकिंग किया तो कम से कम इसको 1.5 साल लग गए थे। आप देखना, कभी आर्टिकल देखना, कब एक्वायर किया था और कब प्रोसेस चालू हुआ था, तो साल से 1.5 साल का समय लग जाता है। लेकिन जिस दिन हमने उससे डील कर लिया, जिस दिन हमने उसको पेमेंट कर दिया, उस दिन से क्या माना जाता है, उस दिन से ये कंपनी मेरी है, यही होगा ना। होता यूं है
कि भाई हमने पेमेंट तो कर दिया, वो कंपनी मेरी है, तो हर जगह बैनर भी चेंज हो गए। आप कई जगह पे आप रूरल एरिया में अभी भी देखते होंगे वीआई का आपको बोर्ड नहीं मिलेगा, आइडिया का अलग से लगा रखा होगा, तो सबको रिप्लेस करने में टाइम टेकिंग है। तो हमें अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, भाई अकाउंटेंट अभी होल्डिंग को होल्डिंग के हिसाब से और सब्सिडरी की अलग अलग बैलेंस शीट, दोनों को अलग अलग एंटिटी मानिए, अभी इसको मर्ज ना करें, मतलब कि इसका अभी कंसोलिडेट ना करें जब तक हमारे सारे के सारे इंटरनल सारे फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती, तब तक इनको अलग अलग रखें। तो अकाउंटेंट क्या करता है, इसका अलग बना रहा होता है, और अकाउंटेंट इसका क्या करता है, अलग बना रहा होता है। इस दौरान एक क्या दिक्कत आ जाती है, इस ड्यूरेशन में देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, इस ड्यूरेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो समझो, जैसे मान लेते हैं मैंने 1/4/2020 को मैंने एक कंपनी एच लिमिटेड ने एक्वायर किया, इस प्रोसेस में टाइम लगता गया, फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो ये अपनी बैलेंस शीट अलग बना रहा है, या 1/4 के बाद हम बात कर लेते हैं 1/10 कर लेते हैं, ठीक है, और ये अपनी बैलेंस शीट तब तक अलग बना रहा है, सारे खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हुआ ये 1/10 तक, ये है सब्सिडरी, 1/10 तक जितना पैसा कमाया होगा वो तो सरप्लस में दिख रहा होगा इसको, लेकिन 1/10 के बाद की जो मेहनत है वो सब्सिडरी कंपनी की नहीं है, वो मेहनत किसकी हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी की हो जाएगी। तो 1/10 के बाद जो भी प्रॉफिट कमाया होगा, ध्यान से समझना, 1/10 के बाद जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो किसका माना जाएगा, हमारा, वो माना जाएगा, वेरी सिंपल, वो तो मेहनत किसकी है, होल्डिंग की। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर दोबारा करता हूं, टेंशन मत लो, मैं इसको पहले यहां तक समझ में आ गया आपको, मैं दोबारा समझाता हूं इसको, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसे मिटाई देते हैं, समझ में अच्छे से आना चाहिए पहले कि यहां पे है क्या कॉन्सेप्ट, तब आपको अच्छे से, जब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो हर एक चीज पता चल जाएगा। मान लेते हैं तारीख और बैलेंस शीट आराम से समझेंगे, डेट है 1/10, 1/10 को मैंने एक कंपनी पी लिमिटेड को खरीद लिया, तो जब मैंने पी लिमिटेड को या एस लिमिटेड को जब मैंने खरीदा, कितने परसेंट खरीदा वो मुद्दे की बात ही नहीं है, मैंने जब एस लिमिटेड को खरीदा तो हुआ ये, उस दिन इसके बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से था, शेयर कैपिटल था 5 लाख का और सरप्लस प्लस था 2 लाख का, और यहां पे फिक्स एसेट्स था मान लेते हैं 7 लाख का, एक रफली रॉ बैलेंस शीट मैंने बना लिया, एक रफली ये था। होल्डिंग कंपनी का अपना हिसाब चल रहा था, सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट जो था वो ये चल रहा था, इस रेट पे खरीदा, इस डेट पे जैसे ही मैंने, अगर मान लेते हैं 60% हिस्सेदारी खरीदा, तो मैंने इसको पेमेंट कितना किया होगा आपके हिसाब से, 7 लाख रुपए का 60%, तो कितने हो जाएंगे, 4,20,000 रुपए दिया छुट्टी, यानी ये जो कंपनी सब्सिडरी कंपनी है 1/10 को पूरी तरीके से होल्डिंग कंपनी, मैं मान लेता हूं मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मेरी हो चुकी है, हो गई मेरी ये कंपनी, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटी और कुछ ऐसे काम है जिसकी वजह से हमने कहा एकदम से मिलाना सही नहीं है बैलेंस शीट को, थोड़ा टाइम लेते हैं। इन ड्यूरेशन हुआ क्या, इन ड्यूरेशन में टाइम बीतता गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया 31 मार्च, फिर बैलेंस शीट बनेगा। जब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च आ गया, हमने अभी बैलेंस शीट में छेड़खानी नहीं किया, कंसोलिडेट तो तब होगा ना, तभी हटेगा ये। हमने देखा सर शेयर कैपिटल तो हमारा 5 लाख है, लेकिन हमारा सरप्लस जो है, सरप्लस वो 4 लाख हो चुका है, और हमारा फिक्स एसेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ 7 लाख है, और मेरे पास कैश क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा कमा लिया है, पहले 2 का था तो 2 लाख ही आ चुका है, तो टोटल कितने हो गए, आप मुझे बताइए। मैं इसको अमाउंट थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसको कर देते हैं हम 5 लाख और इसको कर देते हैं 3 लाख। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा बताइएगा, जब मैंने कंपनी को खरीदा था तो उस कंपनी के अंदर जिस दिन वो कंपनी पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आ गया था, उस दिन उस कंपनी में सरप्लस कितने का था, 2 लाख का। उस दिन के बाद वो कंपनी का जो भी एक्टिविटी है, जो भी वर्क है, वो उस कंपनी का ना मान के मेरा ही माना जाएगा क्योंकि उस कंपनी को मैंने खरीद लिया है। समझ रहे बात, तो उस दिन के बाद जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो किसके इंस्ट्रक्शन पे, किसकी मेहनत लग रही है, क्या उसी कंपनी की अपनी मेहनत है या फिर हमने अपना एफर्ट डालना चालू कर दिया है, भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट नहीं किया है, लेकिन सारा इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टर मैनेजमेंट तो सब मेरे पहुंच चुके हैं वहां पर,
तो इसके बाद धीरे धीरे काम कंसोलिडेशन हुआ नहीं, लेकिन काम फिर भी चल रहा था कंपनी का। तो उस सिचुएशन में देखा जाए तो कंपनी का सरप्लस आ गया था कितना, 5 लाख। बैलेंस शीट वही है। तो 5 लाख का मतलब सर, जिस दिन आपने इस कंपनी को खरीदा था उस दिन आपके पास 2 लाख का ही सरप्लस था, लेकिन खरीदने के बाद आपने और मेहनत किया, मैंने मेहनत किया, तो उसके बाद इसका सरप्लस कितना हो गया आके, 5 लाख रुपया हो गया। सर जब 5 लाख हो गया तो बताओ, अब मैं अगर इस डेट पे पूछूं 5 लाख में मेरी मेहनत, होल्डिंग की मेहनत कितनी है और सब्सिडियरी की मेहनत कितनी है, ये बताइए, बताइए कमेंट में जवाब दीजिए। मेरी मेहनत बताइए, होल्डिंग कंपनी का कितना एफर्ट है इस 5 लाख रुपए में, कितने लाख रुपए प्रॉफिट का? तो जवाब है सर 3 लाख रुपए का। बिल्कुल सही, 3 लाख रुपए का। तो मेरा 3 लाख रुपए का और उसका कितना है हमारा, 2 लाख। अब मुझे एक सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि इसने 2 लाख रुपए जो कमाए होंगे वो पहले 1/4/2020 जो भी 20 रहा होगा, अपनी पुरानी मेहनत करके कमाया होगा, इस दिन बैलेंस शीट बनाया और दे दिया, यही होगा कि जो इसके बैलेंस शीट में 2 लाख दिख रहे होंगे वो आज के नहीं है, कहीं पहले के दिख रहे होंगे। तो यहां पे 2 मुद्दे आ गए, प्रॉफिट एक खरीदने से पहले के हैं और एक प्रॉफिट है खरीदने के। तो आप बताइए, खरीदने से पहले इस डेट पे खरीदा है और ये 2 लाख रुपए जो प्रॉफिट दिख रहा है ये पुराना ही प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड हुआ होगा, तो खरीदने से पहले वाला प्रॉफिट ये हो गया, और खरीदने के बाद वाला प्रॉफिट 5 लाख बोलोगे या 3 लाख बोलोगे? 3 लाख बोलोगे। 5 लाख तो क्या है, टोटल। तो यहां पे हो जाता है हमारा। अब मुझे बताना, जब मैंने इस कंपनी को खरीदा तो जो मैंने खरीदा तो प्रॉफिट कितना परचेज करा है मैंने इस कंपनी का? अभी मैंने मान लो मैंने बताया कि जी मेरे पास 5 लाख का प्रॉफिट है, तो इसमें से मैंने कितना प्रॉफिट परचेज किया और कितना कमाया है? 2 लाख परचेज किया है, 3 लाख कमाया। मैं अलग अलग वर्ड बोल रहा हूं, एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा जिससे परेशान ना हो आपको। तो इसका मतलब वेरी सिंपल, यहां पे कुछ ऐसे प्रॉफिट हैं जो खरीदने से पहले के हैं और कुछ ऐसे प्रॉफिट हैं जो खरीदने के बाद के। बाद को बोलते हैं पोस्ट और पहले को बोलते हैं प्री। तो यहां पे 2 प्रकार के प्रॉफिट हो सकते हैं, प्री भी और पोस्ट भी। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो सर यहां पे प्रॉफिट जो हो सकता है, सर बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट 2 हो सकता है। एक हो सकता है हमारा जिसको हमने परचेज किया है, और एक हो सकता है जिसको हमने अर्न किया है, जिसको कमाया है। जिसको भी हमने परचेज किया है वो प्रॉफिट कौन सा माना जाएगा? हमेशा प्री का होगा। और जिसको मैंने अर्न किया है वो कौन सा होगा? हमेशा पोस्ट का होगा। समझ में आई यहां तक बात? यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। क्या अगर मैं बोलूं मेरा ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, एक्विजिशन का मतलब खरीदना, तो प्री और पोस्ट का फंडा क्लियर हो रहा है कि प्री का प्रॉफिट क्या है और पोस्ट का प्रॉफिट क्या है? इस पर एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, हमारे कंसोलिडेशन पे इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है वो भी समझ में आ जाएगा हमें, है ना? तो एक बार फटाफट से एग्जांपल, इसको तो मेरे हिसाब से सिर्फ आपने समझना था, नोटिंग करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, इसको सिर्फ मैंने समझा दिया आपको। तो हम इस पर लेके चलते हैं आगे। किसी का डाउट है मन में, जो भी क्वेश्चन हो रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। है किसी का डाउट तो बताइए, नहीं तो मैं एक और बैलेंस शीट बनाऊंगा और जिसके अंदर मैं ये भाई डेट डालने वाला हूं। यानी थोड़ा देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या डालने वाला हूं इसमें? डेट। सर कौन सी डेट? मैं बताऊंगा प्रॉफिट को अलग डेट का और अलग डेट का। यानी कुछ मैं प्रॉफिट प्री का बताऊंगा और कुछ मैं प्रॉफिट किसका बताऊंगा? पोस्ट का बताऊंगा। और उसको कंसोलिडेशन में कैसे डील किया जाएगा वो सीखेंगे। समझे बात आप? चलिए करते हैं। पुरानी बैलेंस शीट तो एक ही बैलेंस शीट है ना, एग्जाम्पल बढ़िया है, उसी के हिसाब से लेके चलेंगे। तो हर बच्चों को प्री और पोस्ट का एक कॉन्सेप्ट तो पता चला कि सर यहाँ पे प्री और पोस्ट भी आएगा। बिल्कुल आएगा प्री और पोस्ट, और इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो भी देखेंगे। चलिए एक बैलेंस शीट बना देते हैं, और जो बातें मैं यहाँ पे वर्बली बोल रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, ये सारी बातें आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा। कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इतना प्रॉफिट प्री का है और हमें कैसे पता चले पोस्ट, एग्जामिनर बताएगा। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि हमें क्वेश्चन देख के पता चले, एग्जामिनर बोलेगा स्पेशली। मान लेते हैं शेयर कैपिटल, यार मान लेते हैं शेयर कैपिटल है मेरा 2 लाख रुपए का और रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख रुपए का और क्रेडिटर है 4 लाख रुपए का। टोटल कितने का हो गया? 7 लाख। फिक्स एसेट्स
2 लाख, और इसका डेटर 5 लाख, टोटल आपको एक बैलेंस शीट दिया गया, और ये बैलेंस शीट जो है वो है किसका, एस लिमिटेड का, और ये मैं दे रहा हूँ 31/3/2021 का, ठीक है ना, 31/3/2021 का दिया है। अब मैं इसके नीचे कुछ बातें लिख रहा हूँ कि इस कंपनी को मैंने एक्वायर किया था, कंपनी को एच लिमिटेड एक्वायर टू एस लिमिटेड ऑन 1/10/2020 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सरप्लस वॉज ₹60,000। सरप्लस कितने का है, 60,000 का, और ये हम अजम्पशन ले रहे हैं, हमने इसका 100% स्टेक एक्वायर किया है। कितना स्टेक एक्वायर किया है हमने, 100%, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, और ये बैलेंस शीट भी पुरानी वाली बना देते हैं, कुछ चेंजेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी हटा देते हैं, ठीक है। आपके सामने एक बैलेंस शीट है, और इसके अंदर भी हम डेटर वगैरह जो है बदलाव कर सकते हैं, इसको बदल देते हैं, सब बदल जाएगा, सब कुछ चेंज कर देंगे, MI को भी हटा देते हैं, हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। इसको भी हटा दिया। सबसे पहले 100% एक्वायर किया है, तो हमें क्योंकि इसका जो एक्विजिशन था वो 1/10 को हुआ था, और उस दिन इस बैलेंस शीट में सरप्लस जो एग्जिस्ट करता था वो 60 करता था, लेकिन 31/3/21 थोड़े टाइम बीतने के बाद इसके अंदर जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस शो हो रहा है वो कितने का हो रहा है 1 लाख। जिस दिन मैंने इस कंपनी को खरीदा था उस दिन तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट हुआ करता था कितने का, 60,000 का, लेकिन आज की तारीख में 31 मार्च को कंसोलिडेशन से पहले उसका प्रॉफिट हो कितना चुका है बताइए, 1 लाख। दोबारा मैं बोल रहा हूं, जिस दिन मैंने कंपनी को खरीदा था, डेट पे ध्यान दीजिए, उस दिन कंपनी का प्रॉफिट कितना था, और जब 31 मार्च को मैंने इसका फाइनली बैलेंस शीट निकाला, यानी इस डेट के बाद तो ये मेरा ही है, इसके बाद कितना हो चुका है, 1। तो यानी सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के अंदर दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा किसका, प्री का, और एक पार्ट किसका होगा, हमारा पोस्ट का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्री का प्रॉफिट बताइए, क्वेश्चन में तो गिवन ही था 60, पोस्ट का क्या होगा, 40,000, पोस्ट का क्या होगा। जब हम इस कंपनी को एक्वायर करेंगे तो क्या जो हमने प्रॉफिट कमाया है क्या उसको भी खरीदेंगे हम, दिमाग लगाइए। अब मैं अपनी दुकान में सामान बेच रहा हूं तो क्या मैं अपने सामान को खरीद सकता हूं, मैं नहीं खरीद सकता। तो जब हम एक्वायर करेंगे तो बताइए मुझे, मैं 60,000 के हिस्से को एक्वायर कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, या फिर 40,000 या पूरे 1 लाख को मैंने खरीदा है, सिर्फ 60,000 के हिस्से को खरीदा है। तो इस कंपनी का जब एक्विजिशन वैल्यूएशन की बात आएगी तो सर मैं इस कंपनी का एक तो सरप्लस खरीदूंगा, और प्लस उस कंपनी का क्या खरीद लूंगा, मैं शेयर कैपिटल, जो कि कितने हैं हमारे। तो आप मुझे बताइए, जो मैं 260 यहां पे मैंने लिखा है, इस कंपनी को पेमेंट कितना करना है मुझे, 2,60,000। अब सिंपल सी बात है सर, इसको 2 लाख जब 60,000 दोगे, 5 लाख में से आप माइनस कर दो कितना, 5 लाख में से माइनस कर दो 2.6 लाख, तो बचे कितने, 240। पहले यहां तक देखो। अब सर इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, सिंपल 2. ये समझ में आया, बैलेंस शीट में जो चेंज किया मैंने। अब मैं इसको आगे नए वाले कंसोलिडेशन में करूं,
कंसोलिडेशन बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्रेडिटर देख लेते हैं, मैंने बदल तो नहीं दिया, क्रेडिटर 3 लाख और क्रेडिटर 4 लाख, बिल्कुल हाँ बदल दिया है मैंने, तो ये हो जाएगा हमारा 7 लाख। इसके बाद आगे चलते हैं, फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स, तो 2 और 2 4, ये भी बदल दिया है मैंने बिल्कुल 4 लाख। आ जाते हैं कैश पे, 240 का कैश है, यहाँ पे कोई कैश ही नहीं था, तो यही आ जाएगा हमारा 240। और आगे चलते हैं डेटर, यहाँ पे 1 लाख का है, डेटर यहाँ 5 लाख, बदल गया हमारा डेटर 1 लाख और प्लस में 5 लाख, यानी कितने का 6 लाख, पुराना यही है अभी तक तो, अभी तक तो नया वाला हमने दिखा ही नहीं है। अब इसके अंदर हमने 100% स्टेक एक्वायर किया है। अब 100% जब एक्वायर किया है हमने, तो इसका मतलब सर आपने 260 एक्वायर किया है, तो 260 से और यहां का 260 तो कट गया, यानी अल्टीमेटली इसका प्रॉब्लम है यहां पे। और अब बैलेंस शीट को अगर टोटल भी करोगे ना, तो 40,000 का फर्क आएगा। अब देखते हैं हम एसेट साइड कितना हो गया, कितने 440 और इधर भी 440 नहीं, इधर सिर्फ आ रहा है 12 लाख। अब मुझे बताइए, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में सरप्लस लिखूं, तो इसका मतलब ये सरप्लस मैंने कमाया। अगर मेरी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है तो मेरा ही होगा ना, मैं दूसरे के बैलेंस शीट का प्रॉफिट थोड़ी लिख लूंगा अपने पास। तो मैं अब आप बोल रहे हो कि सर ये 40,000 आपने कमाए हैं, ये आपकी कमाई है, तो इसका मतलब ये तो मेरा हो गया। तो क्या मेरे बैलेंस शीट में ये 40,000 नजर आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। अब ये सरप्लस यहां पे आएगा कितने रुपए का, 40, और अब जाके 12.4 लाख का ये ऐड हो जाएगा। यानी अगर प्रॉफिट प्री और पोस्ट वाला हुआ, तो प्री वाला प्रॉफिट तो वो पूरा बाइंग में ही चला जाता है, जितना हम परसेंटेज हिस्सा खरीदते हैं उसी में निकल जाता है। पोस्ट वाला प्रॉफिट अलग से हमें सरप्लस के तरीके से दिखाना है, अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से सरप्लस है तो उसमें ऐड करके दिखा देना है। समझे बात? अभी एमआई की बात नहीं कर रहा, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात अभी नहीं कर रहा मैं, तो सिर्फ और मैंने क्या करा, 100% स्टेक खरीदा है। बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक, फटाफट एक बार नोट करिए, किसी का डाउट है तो आप पूछिए फटाफट, फिर मैं माइनॉरिटी को लेके आऊंगा इसके अंदर। चेंजेस देखिए मैं क्या करने वाला हूं, चेंजेस बस ये करा मैंने, स्टेक खरीदा है 80%, मैंने स्टेक कितना खरीदा है, बस यही चेंज करूंगा। यानी अब मैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके दिखाना चाहता हूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला पॉइंट, ठीक है? तो चलिए मिटा दे इसे, यानी मैं क्या क्या बदलूंगा, सारी चीजें यहां से हटा देता हूं, ये शेयर कैपिटल, अच्छा इधर आइए, सब कुछ क्वेश्चन सेम है, आप भी दिमाग लगाइएगा, आप माइंड में जब तक क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे ना, अब इसका क्या होगा, इसका कैसे करेंगे, कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा, अच्छा इसका इस तरीके से करना है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा इसका कुछ शायद अलग भी हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिए, दिमाग चलाते रहिए तो समझ में आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर बता दूं, एक एच लिमिटेड है जिसके पास पहले से शेयर कैपिटल क्रेडिटर, और मैं एक थोड़ा सा और इसमें चेंज करने जा रहा हूं, इसको 2 लाख कर देता हूं और इसका सरप्लस कर देता हूं 1 लाख। तो इसका है कैश, इसके पास बताइए कैश किस पे कितना है, 5 लाख रुपए का कैश, कितने का है 5 लाख रुपए का, डेटर 1 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट बाद में हम लिख देंगे। इसके साथ साथ एस लिमिटेड के भी पहले से कुछ अपना एग्जिस्टेंस है, जो कि शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिटर और ये दे रखा है। अगेन ये जो दे रखा है 31 मार्च का, लेकिन इस कंपनी को हम खरीद चुके थे कब, 1/10 को ही खरीद चुके थे। जब 1/10 को खरीदा था तो उस ड्यूरेशन में इसका प्रॉफिट हुआ करता था 60,000, जो कि अब दिख रहा है 1 लाख, तो आपको सिंपल पता चल गया प्रॉफिट के 2 हिस्से होने, एक प्री और एक पोस्ट। पोस्ट किसका होता है, जो कंपनी खरीद रहा है उसी का होता है, और उसके रिजर्व एंड सरप्लस में वो ऐड हो जाता है। और प्री किसका होता है, प्री हमारा पुरानी कंपनी का माना जाता है और उसी के हिसाब से हम एक्वायर करते हैं। कहते हैं हमने सिर्फ इसका 80% हिस्सा ही खरीदा है, सारा नहीं खरीदा, सिर्फ 80%। तो कैलकुलेशन देखिए, हम कैलकुलेशन बात कर रहे हैं एमआई की, एमआई क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी यानी यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट की करूं, तो सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल और प्लस सरप्लस, देखिए जब भी कभी होल्डिंग कंपनी बनाया जाएगा ना,
तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम जो प्रॉफिट या फिर शेयर कैपिटल के साथ चेंजेस या कैलकुलेशन निकालेंगे वो सब्सिडरी का उठा के करेंगे, अपनी कंपनी का उठा के नहीं करना। आप देख रहे हो मैं अपनी कंपनी के शेयर कैपिटल को चेंज ही नहीं कर रहा, जो है वही रह रहा है, ठीक है ना। तो कैपिटल प्लस ये अगर इसको देखा जाए तो सर कैपिटल तो कितने का है, 2 लाख का, और सर सरप्लस कितने का है, 1 लाख का, यानी टोटल कितने का हो गया, ये 3 लाख का है। इसके अंदर से हम खरीदने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं यहां से प्रॉफिट को अलग कर देता हूं। प्रॉफिट अलग कर दिया अगर मैंने तो 40,000 इसमें वो वाला प्रॉफिट है जो कि हमने अर्न किया है, जो कि हमने अर्न किया है। इस प्रॉफिट पे तो कोई अधिकार ही नहीं है, 50%, 80%, ये तो 100% मेरा होगा। दिमाग लगाओ, क्या इस प्रॉफिट का भी मैं 80% खरीदूं? मैंने कहा मैं इस कंपनी का कितना खरीदूंगा, 80%। तो आप बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं, दो हिस्से में बांट दिया, 2 लाख रुपए और प्लस में 60,000 रुपए, ये तो पुरानी कंपनी की मेहनत है, और 40,000 रुपए ये हमने कमाया है जो किसकी मेहनत है। अब जब मैं 80% एक्वायर करूंगा तो ये अगर मेरी मेहनत है तो अपनी मेहनत का 80% लूंगा या पूरा ही मेरा होगा, ये तो पूरा ही मेरा होगा, सिंपल सा। अब मुझे 80% खरीदना होगा तो मैं किसका खरीदने वाला हूं, इसी का। तो अब जब मैं इसका 80% एक्वायर करूंगा तो 2 लाख का 80% या 60,000 या 260 पूरा, 260 पूरा। तो 80% अगर मैं पूरा लेके चलूं, कैलकुलेटर कहां गया, ये रहा। अगर मैं 260 का 80% लेके चलूं तो 2,08,000 रुपीस का तो मैंने एक्वायर कर लिया है, और देखते हैं हम बच गए हमारे 260 माइनस 52,000, 52,000 रुपीस जो है ये मैंने एक्वायर नहीं किया है। तो ये वाला हिस्सा निकला है 80% और ये वाला हिस्सा निकला है 20%। अभी मैं फुल्ली मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं आपको कम दे रहा हूं पैसे ज्यादा, अभी फुल वाला सीख लेते हैं पहले, फिर कम वाला और ज्यादा वाला का हम बात करेंगे। हमने क्या करा, इसका 80% वैल्यूएशन निकाला 2,800, तो लो जी इसको 2,08,000 दे दे, तो हमारे पास कैश कितना था, और 2.8 दे दिया मैंने, नहीं 2,08,000, तो 2,08,000 जब देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 292। डन। अब इन्वेस्टमेंट भी कितने का हो गया, 292। डन। अब क्या करा हमने, अब आते हैं हम अपनी वाली बैलेंस शीट पे चेंजेस करने के लिए। सर हमारे वाले बैलेंस, हाँ 28 आएगा ये, अपनी वाले बैलेंस शीट में आ जाए तो एक सरप्लस का हिस्सा आने वाला है, और ये भी बदलाव कर दिया था मैंने इसको, ये 2 लाख है पुराने वाले का और नई वाली का 4 है, तो 2 और 4 6 लाख। तो हमारा पुराना सरप्लस कितने का है, 1 लाख का, देखिए पुराना सरप्लस, और हमारा सरप्लस और जो कि हमने कमा लिया वो कितने का होगा, यानी सरप्लस आ गया 1,40। सर ये 40 कब कमाया, ये वाला था ना कमाया जो कि पोस्ट जो हमारे पोस्ट एक्विजिशन का था, ये 40 जुड़ गया। अब आ जाते हैं दूसरे साइड, सर आपने तो खरीदा 2,800 का खरीदा आपने, और इसके बदले आपने पेमेंट किया, तो इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, खत्म। लेकिन आपने इस वाले हिस्से को नहीं खरीदा तो इसको तो दिखाना पड़ेगा, और किस नाम से, जिस हिस्से को नहीं खरीदेंगे, जिस पार्ट को नहीं खरीदेंगे वो होगा माइनॉरिटी, और उसका प्रॉफिट हो चाहे आपका सरप्लस हो चाहे आपका शेयर कैपिटल, सबको मिला के अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड को अलग से दिखाएंगे MI के नाम से, जो कि कितना दिखाना होगा। अब कैश की बात करते हैं तो कैश कितना है, 292, और प्लस इसका पास कोई कैश ही नहीं था तो 292। मैच करिए एक बार फटाफट से, कितने आ रहे हैं, 1292, और ये 1292। समझ में आई बात आपको, तो यानी अभी वाले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा बताओ फटाफट। अभी वाले कॉन्सेप्ट में सर सीखा है कि अगर हम किसी कंपनी के एक्वायर अगर हम लेस देन 100% करते हैं तो जो हमारा पोस्ट वाला पार्ट है उसका कोई परसेंटेज नहीं होगा, वो तो सारा ही मेरा होगा।
लेकिन जो पार्ट हमने जितना जो पार्ट हमारा प्री वाला है उसमें से हमें जितना परसेंट खरीदा है वो तो कैंसिल हो जाता है, जितना नहीं खरीदा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाके जुड़ जाता है। समझ में बात आपको, कोई दिक्कत? एक बार फटाफट नोट करिए, फिर हम देखेंगे जब हम महंगा खरीदेंगे सस्ता खरीदेंगे उसकी बात करेंगे हम। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2,40,000 से 2,08,000 है, ले भाई 2,08,000 तेरी कंपनी मेरी हो गई। लेकिन अब ऐसा भी करेंगे ना, 2,08,000 के बदले उसको सेटल 2-5 में ही कर ले, क्या पता, तो वहां पे सिंपल कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। बताइए किसी का डाउट? हाँ जी, एक डाउट है, कहना है कि सर जैसे कि MI इंटरेस्ट था तो इस क्या 40 में से भी MI वालों का कुछ हिस्सा होगा? डेफिनेटली होगा। हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। अभी तक के अजम्पशन में क्या लेके चल रहे हैं हम? अभी तक के अजम्पशन में हमने ये लिया है कि इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ये मान रहे हैं मैं, क्योंकि एक एक स्टेप। अब अगला हिस्सा जो मैं करूँगा अगले वाले एग्जाम्पल में, तब देखना क्या होगा, तब थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा उसके अंदर। तो मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता। अभी तक का बताइए सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे चलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी भी लगता है कि कुछ ज़्यादा हैवी हो रहा है तो फिर मैं शाम को तो क्लास रख ही रहा हूँ फिर मैं। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल और इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें।